नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु सोगी। आज मैं आपको बताऊंगा फिशला नेनो भगंदर की सर्जरी के बाद दोबारा भगंदर क्यों हो जाता है, और उसके बाद जब आप सर्जरी कराते हैं तो उसमें क्या क्या कारण रहते हैं जिसकी वजह से आपको दोबारा भगंदर हो जाता है, फिशला नेनो हो जाता है। सबसे पहले अनहाइजेनिक कारण, जब आप सर्जरी कराते हैं या फिर मॉडर्न सर्जरी कराते हैं, लेजर सर्जरी कराते हैं, तो उसमें अनहाइजेनिक कारण, मतलब आपने ट्रैक की सफाई नहीं की, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने जो आपका एनल कैनाल है उसमें आपने क्लीनिंग नहीं की। कैसे क्लीनिंग नहीं की? जब आप सर्जरी करा रहे हैं, जब मान लीजिए आपने लेजर फाइबर से कराया, तो लेजर फाइबर इस ट्रैक में आपको डाल के क्यूरेट कर तो कर देगा, लेकिन आपने जैसे सुबह मल ट्रैक के लिए जाएंगे तो होगा क्या, आपके सिर्फ मल के टुकड़े फिर इसी में इंटर कर जाएंगे। तो आप दोनों रास्ते से आपको ट्रैक को हाइजीन रखना है, एक तो एक्सटर्नल ओपनिंग से भी और ये आपको एनल कैनाल से भी। आपको जातिया तेल या फिर लिक्विड मेट्रोजिल का जो लिक्विड आता है या फिर बीटाडीन का जो लिक्विड आता है उससे आपको साफ सफाई करनी है। दूसरा, इंटरनल ओपनिंग नॉट क्लोज। जैसे आपने लेजर फाइबर से सर्जरी कराई मान लीजिए या फिर आपने मॉडर्न सर्जरी भी कराई, तो मोस्टली क्या होता है, आपका जो एक्सटर्नल ओपनिंग होता है उसका ड्रेन बना देते हैं, या फिर आपका कभी कभी लेजर फाइबर से भी लेजर फाइबर डाल के भी इस ट्रैक को क्यूरेट कर देते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, अंदर की ओपनिंग नहीं क्लोज करते हैं। क्यूरेट करने से कभी कभी क्या रहता है, जो ट्रैक होता है जब आप मल त्याग के लिए जाते हो फिर इसी में मल के टुकड़े जाने लगते हैं, तो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं और फिर से भगंदर होना शुरू कर देता है। और प्रोबिंग, अगर आपने प्रोबिंग नहीं सही से की, मान लीजिए आपने इस ट्रैक है, आपने प्रोब डाला इधर से, ठीक, इधर से डाला और आपने आपको फील हुआ कि यहाँ पे फील हो रहा, निकल रहा है, ठीक है, प्रोब, तो आपने पुश ज्यादा कर दिया, यहीं पे पंचर हो गई और स्किन, तो यहीं से प्रोब निकाले। ऊपर अगर रास्ता छूट जाता है, ऐसे ही जब आपका रास्ता छूट जाएगा ट्रैक में तो क्या होगा, ऊपर का रास्ता छूट जाएगा, तो क्या होगा, वहां का रास्ता इंटरनल ओपनिंग नहीं हील हो पाएगी, और जब भी आप मल त्याग के लिए जाएंगे तो इसी में इंटर करेगा, तो पस जैसा एब्सेस जैसा कलेक्शन फिर से फॉर्म होगा। वहीं जब थर्ड और फोर्थ गेट के फिशला रिकरेंस हो जाते हैं, क्यों रिकरेंस हो जाते हैं, क्योंकि जो ट्रांसमिटिंग फिशला, दोनों स्प्रिंटर, इंटरनल स्प्रिंटर और एक्सटर्नल स्प्रिंटर्स को जब पीएस करके जो फिशला बनते हैं उसमें सर्जरी काफी टिपिकल हो जाती है। क्यों टिपिकल हो जाती है? क्योंकि जो ट्रांसमिटिंग फिशला होता है उसमें एक्सटर्नल स्प्रिंटर को काटने से आपको इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। अगर एक लिमिट सीमा से ज्यादा आपको कट कर देते हैं तो क्या होगा, इनकॉन्टिनेंस मतलब आपका मल द्वार में मल रोकने की क्षमता खत्म हो जाएगी और इससे आपको दुविधा बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, लोग यहीं पर ड्रेन अच्छा बना देते हैं और इसे काटने से बचते हैं, या फिर लिफ्ट के थ्रू आपको इसको ऑपरेशन करते हैं कि इंटरनल स्प्रिंटिंग स्पेस में लिफ्ट करते हैं, लिफ्ट का समझे, ये दोनों ट्रैक को बांध देते हैं और फिर इधर को क्यूरेट कर देते हैं पूरा ट्रैक को। तो ऐसे करने से भी आपका ये तो छूट जाता है, ये तो चलो बच गया, लेजर से करो, लेकिन फिर इंटरनल ओपनिंग फिर रह जाती है, या फिर आपने मॉडल सर्जरी कराई, यहीं पर ड्रेन बना लिया, ऊपर का छोड़ दिया, तो फिर रिकरेंस हो जाता है। वहीं और भी जैसे कारण हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन और आपको जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज जैसे बीमारियां, इन सब कारण की वजह से भी आपको रिकरेंस हो जाता है फिशला। वहीं एचआईवी भी एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से फिशला नेनो रिकरेंस होता है सर्जरी के बाद। तो दोस्तों, ये रही जानकारी कि फिशला नेनो भगंदर रिकरेंस सर्जरी के बाद दोबारा क्यों हो जाता है। अगर इसका सर्वश्रेष्ठ इलाज चाहते हैं तो छाछ-छूत विधि से कराएं, मैं दूसरा वीडियो मैं बना चुका हूं, बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी चैनल को लाइक जरूर करिएगा ताकि नई वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।